नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आज मिलकर के बनाएंगे सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश, दैट इज़ कुल्लड़ पिज़्ज़ा। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो मिलकर के बनाते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने लिया है प्याज और कैप्सिकम। यहाँ पर आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जियों को कर लिया है बारीक बारीक चॉप और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्न। जैसे कि पहले भी बताया है, आप अपनी चॉइस से कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। और अभी हम इन सब्जियों को पकाने जाएंगे इन सब चीज़ों के साथ, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, देन थोड़ी सी मेयोनीज हमें लगेगी और थोड़ा सा लगेगा चीज़। चीज़ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा बटर। अब हम सभी सब्जियों को पैन में बटर डाल करके जो है थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पहले अनियन। आप चाहें तो सभी सब्जियों को एक साथ भी डाल के कर सकती हैं। मैं अनियन को पहले थोड़ा हल्का सॉटे करूंगी लाल होने तक, और उसके बाद जो है मैं फिर इसमें कैप्सिकम और कॉर्न डालूंगी। मैं यहाँ पर हल्का सा घी भी डाल रही हूँ, क्योंकि बटर को अकेले नहीं पकाया जाता। अकेले पकाने से बटर जो है जल जाता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है घी भी इसके साथ में डाल रही हूँ। प्याज को हल्का सा क्रंच करने के बाद अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कैप्सिकम, और उसको भी हम हल्का सा क्रंच कर लेंगे। आप चाहें तो सब्जियों को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बहुत हल्का सा नमक डाल रही हूँ, और बहुत ही हल्का सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च। हमें बिल्कुल भी मसालों को ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी सॉसेज हैं उनमें ऑलरेडी नमक और मिर्च जो है वो ऑलरेडी डले हुए होते हैं। तो आप यहाँ पर इस स्टेज पर संभल करके ही डालिएगा। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉर्न, और साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जो है ओटीजी को पहले से ही प्री हीटिंग मोड पर डाल दिया है, ताकि 10 मिनट के लिए ओटीजी जो है प्री हीट हो सके। अगर आप इसको गैस पर बना रहे हैं तो अपने गैस को पहले से ही अपने बर्तन को प्री हीट कर लीजिए। सब्जियों को शैलो फ्राई करने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच मेयोनीज के, और साथ में 2 चम्मच ही मैं यहाँ पर डालूंगी पिज्जा एंड पास्ता सॉस। और अब इन सॉसेस में ही हम थोड़ा सा सब्जियों को पका लेंगे। स्टेज पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा अमूल चीज, ताकि चीजी फ्लेवर आ जाए। मैं बहुत कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ कम रखना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक टॉप पर भी इसकी लेयर देंगे जिसमें हम थोड़ा सा चीज़ लगाएंगे। पिज़्ज़ा बेस का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है ब्रेड, तो मैं यहाँ पर अभी जो है इसमें डाल रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस। मैं एजेस को कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो है क्रंच मेंटेन रहे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। अभी इन सब डाइसेस को हम मिक्स कर देंगे हमारी सब्जियों में। इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, और इसको अब हम भर लेंगे अपने कुल्हड़ में। ध्यान रहे कि आपको ओटीजी को पहले से ही प्री हीटिंग मोड पे डालना है। 10 मिनट के लिए अपने ओटीजी को जरूर गर्म कीजिए। इस तरह से हम सभी कुल्हड़ अपने फिल कर लेंगे। अब हम एक बार फिर से जो है इसको गार्निश कर देते हैं चीज़ से। चीज़ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ डाल लीजिए। अगर आपको कम चीज़ चाहिए तो आप इसको जो है कम रख करके भी बना सकते हैं। ये फिर भी उतना ही टेस्टी बनता है।
और चलिए अब इसको ओटीजी में डाल देते हैं बेकिंग के लिए। अपने ओटीजी को लेकर के जाइए मैक्सिमम टेम्परेचर तक, जितना भी उसका टेम्परेचर है, क्योंकि पिज़्ज़ा को हमेशा बहुत ज़्यादा हीट पर ही बेक किया जाता है। और देखिए 10 से मिनटों में हमारा बढ़िया सा कुल्लड़ पिज़्ज़ा बनकर के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम घर पर भी ये सभी रेसिपीज़ बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब देना मत भूलिएगा। देखिए कितना चीज़ी है ये, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो मुझे सब्सक्राइब देना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर इस तरह की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो अभी वेकेशंस आ गई हैं, बनाइए घर पे बच्चों के लिए और इन्जॉय कीजिए सभी रेसिपीज़ को। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।